नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे भाषा माधुरी में दिए गए पाठ 6 दांत का दर्द के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर पाठ 6। पहले अब हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर बोलेंगे। प्रश्न नंबर 1, आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ क्या कर रहा है? आप सबने इस पाठ की रीडिंग की है ना, अब आप बताइए इसका आंसर। क्या कर रहा है आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ? तो आनंद, हम आंसर लिखेंगे आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ करा रहा है। पढ़ेंगे उत्तर को। आनंद बिस्तर पर लेटा हुआ करा रहा है। प्रश्न नंबर 2, आनंद के कितने दांतों में कीड़ा लग गया था? बताइए अब आप, आनंद के कितने दांतों में कीड़ा लग गया था? एक या दो? दो। आनंद के दो दांतों में कीड़ा लग गया था। प्रश्न नंबर 3, दांतों को ठीक रखने के लिए क्या पीना जरूरी है? बताइए अब, क्या पीना जरूरी है? बताओ। दूध। तो आंसर लिखेंगे, दांतों को ठीक रखने के लिए दूध पीना जरूरी है। दांतों को ठीक रखने के लिए दूध पीना जरूरी है। प्रश्न नंबर 4, खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? अब बताओ, क्या करना चाहिए? उत्तर, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। हम कुल्ला नहीं करेंगे तो खाने के कण दांतों में फंस जाएंगे। खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, आनंद के दांतों से कभी-कभी क्या निकलता था? अब आनंद ने डॉक्टर को क्या कहा था? क्या निकलता था उसके दांतों में से? खून। आनंद के दांतों से
कभी कभी खून निकलता था। आनंद के दांतों से कभी कभी खून निकलता था। प्रश्न नंबर 6, कुल्ला करने से क्या होता है? बताइए अब आप, कुल्ला करने से क्या होता है? दांतों में फंसे कण बाहर निकल जाते हैं। हम उत्तर लिखेंगे, कुल्ला करने से दांतों में फंसे खाने के कण बाहर निकल जाते हैं। पढ़ेंगे इसको, कुल्ला करने से दांतों में फंसे खाने के कण बाहर निकल जाते हैं। अब आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।